भई गौ को कर प्रणाम गोविंद बलि करेंगे, गौ को कर प्रणाम गोविंद बलि करेंगे, कर सेवा निष्काम गोविंद बलि करेंगे, कर सेवा निष्काम गोविंद बलि करेंगे। गौ को कर प्रणाम गोविंद बलि करेंगे, कर सेवा निष्काम गोविंद बलि करेंगे। जिसके घर में पहली रोटी गांव कुत्ते की निकलती है भाई, उसके भंडार भरे रहते, कोई कमी नहीं आने देंगी गौ माता। बोलिए गौ माता की। गौ की सेवा कर ले बंदे, गौ की सेवा कर ले बंदे, सही चलेंगे जग के धंधे, सही चलेंगे जग के धंधे, गौ की सेवा कर ले बंदे, सही चलेंगे जग के धंधे। गौ माता है तरणी तारिणी, गौ माता है पाप हारिणी, चरणों में चारों धाम गोविंद बलि करेंगे, चरणों में चारों धाम गोविंद बलि करेंगे। तालियां बजाते हुए बोलिए श्री गौ माता की। अनेकों गौशालाओं में वैज्ञानिक शोध करने लाग रहे हैं गौ माता के ऊपर। कभी सूत बैठे तो लाडवा गौशाला में घूम के आइयो, कदे सूत बैठ जा तो कैंसर तक की बीमारियां ठीक करने की दवाई बनाई है गौमूत्र से, गौ गोबर से भाई, जय हो, कैंसर तक के इलाज होते हैं। सूर्य वंश में राजा दलीप होए भाई, बहुत प्रतापी राजा थे राजा दलीप, इतने प्रतापी इतने पराक्रमी राजा थे के स्वर्ग लोक के देवताओं ने धरती पर राजा दलीप को बुलाया था लड़ने के लिए, भाई देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए राजा दलीप ने बुलाओ, राक्षसों के लिए लड़ाई चल रही थी। जय हो। जब लड़ाई खत्म हुई, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध समाप्त होया, राजा दलीप जब वापस धरती पर आने लगे तो सभी देवताओं को नमस्कार प्रणाम कराया, लेकिन सुरभि गौ माता को नमस्कार प्रणाम नहीं कराया। सुरभि गौ माता को नमस्कार प्रणाम करना भूल गए, माता नाराज होगी गौ माता, न बोले रे भाई। सुरभि गौ माता जो समुद्र मंथन से गौ माता का प्रागट्य हुआ था, समुद्र मंथन हुआ जब, जय हो, गौ माता निकली थी, बोले भाई संतान का मुंह नहीं देखेगा जब तू मने खुश नहीं कर लेगा, इतने दी जा भाई। आके यह बात राजा दलीप ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बताई के गुरुदेव मैं स्वर्ग में गया था और मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं गौ माता का अपमान कर दिया, मेरे से हो गया, नमस्कार प्रणाम सबको किया, गौ माता छोड़ दी और मेरे को गौ माता का श्राप लग गया। गुरु तो गुरु होते हैं, वशिष्ठ ने बताया कि यह जो नंदनी गौ माता मेरे पास है यह सुरभि की बेटी है, नंदनी गौ माता थी वशिष्ठ जी के पास, वो सुरभि की बेटी, बिलाजे बेटी ने मना ले तो बेटी माँ ने फट दे ही मना लेगी, जय हो, अगर बेटी ने मना ले तो बेटी मना लेगी, बेटे पर माँ को नहीं माने, बेटी जब भी मना ले माने। राजा रानी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दोनों नंगे पैर नंदनी की सेवा करो, चरा के लाओ रोजाना, जंगल में जाओ नंदनी की सेवा करो, या नंदनी प्रसन्न होगी तो सुरभि प्रसन्न हो जाएगी, गौ माता प्रसन्न होगी, तेरा श्राप कट जाएगा। रोजाना सुबह
बगैर कुछ खाए पिए नंदिनी की जंगल में ले जाके सेवा करते और भरपेट चारा खिला के लाते, चरा के लाते नंदिनी गौ माता को, दोनों राजा रानी जय हो। जब कई दिन बीत गए, एक दिन गौ माता ने सोचा कि परीक्षा लेती हूँ इनकी, आगे तो शेर आ गया और नंदिनी पे झपट्टा मारन खातर, जब शेर तैयार होया झपट्टा मारन खातर नंदिनी गौ माता पे, बीच में राजा रानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे सिंहराज ये हमारी माता है, हम धर्म को जानने वाले हैं, सूर्यवंशी हैं, हम इस बात को मानते कि ये आपका भोजन है, हम आपके बीच में रुकावट नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी माँ को खाने से पहले आप हमारे को भोजन बनाओ, हमारा शरीर आपके लिए हाजिर है, पहले मारे को खा लो फिर गौ माता की तरफ जाना। जय हो। जब दोनों ने इतना समर्पण भाव देखा तो आगे तो सुर भी प्रकट होगी, सिंह नहीं था, शेर नहीं था, वह सुर बिहारी थी। सुरगाड़ी बोलिए श्री गौ माता की। नु बोली रे भाई दिलीप जा, तेरे को ऐसा वरदान देती हूँ, तेरे कुल में खुद विष्णु आवेगा। बोलिए विष्णु भगवान की। राजा दिलीप के वंश चलिया क्या होया, सुनिए ध्यान से। वही त्रेता युग की कथा सुनाऊं, त्रेता युग की कथा सुनाऊं, गौ माता की महिमा गाऊं, गौ माता की महिमा गाऊं, त्रेता युग की कथा सुनाऊं, गौ माता की महिमा गाऊं। राजा दिलीप ने गौ बचाई, वंश चला जने में रघुराई, कौशल्या के राम गोविंद बलि करेंगे, कौशल्या के राम गोविंद बलि करेंगे, भाई कौशल्या के राम गोविंद बलि करेंगे। गौ को कर प्रणाम गोविंद बलि करेंगे, राम गोविंद बलि करेंगे। रामेर सिंह गौ सेवा कर ले, 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 भाव सागर से पार उतर ले, भाव सागर से पार उतर ले, गौ माता को जिसने जाया उस पे होई गोविंद की छाया, दर्शन कर सुबह शाम गोविंद बलि करेंगे, भाई दर्शन कर सुबह शाम गोविंद बलि करेंगे, गौ को कर प्रणाम गोविंद बलि करेंगे, कर सेवा निष्काम गोविंद बलि करेंगे, गोविंद बलि करेंगे, गोविंद बलि करेंगे, गोरख बलि करेंगे, गोरख बलि करेंगे, गोरख बलि करेंगे।